गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 5 और आज का दिन है 1 सितंबर 2022। और आज, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि आज हमारी रामेश्वरम यात्रा शुरू होने वाली है, तो बस 6 बजे की ट्रेन है ओखा टू रामेश्वरम और तिरुपति रेलवे स्टेशन मुझे पहुंचना है 6 बजे से पहले पहले 6 बजे ट्रेन आ रही है, तो 5 बज रहे हैं, अब हमें रश करना चाहिए। चलिए चलते हैं। बैग बड़ा भारी हो गया है। स्लिप दिखा दो। सही यहाँ ऑटो मिल जाए। किधर गया? स्टेशन जैसे ऑटो वाला नजदीक है। बड़ा भारी बैग है। ऑटो, हाँ ऑटो बुला दो। इन्होंने मेरे से 1500 रुपये रख लिए थे, 300 रुपये एज एडवांस रखे थे, और ये भाई साहब गए हैं एक ऑटो को बुलाने। बैग बड़ा भारी सा हो गया है, कंधे में उठाना मुश्किल हो रहा है। तो सुबह सुबह आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है। ठीक से भोर हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जर्नी तो स्टार्ट है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे लाइन से होटल, रेस्टोरेंट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और स्टेशन से जस्ट 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है ये। ऑटो आ गया है लगता है। ये क्या है भैया? कैमरा। कैमरा रिकॉर्डिंग है ना? ये पीछे करते हैं। स्टेशन में तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि मेरी जो ट्रेन है ओखा टू रामेश्वरम वो किस प्लेटफॉर्म पर लगेगी, क्योंकि अभी तक शायद अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है इसके बारे में, तो ट्रेन लेट है। तो अब देखते हैं। मैंने अपना एक ऐप है मेरे पास, तो उससे मैंने देखा कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म में दिखा रहा है, तो मैं 4 नंबर में बैठ गया। बाकी मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, जो अनाउंसमेंट होगा उससे मुझे सुनना पड़ेगा कि कहाँ आ रही है फाइनली। पर लेट है ट्रेन, 6 बजे तो नहीं आ रही है, अब शायद 40 मिनट लेट है ये, 6:40 तक आए, लेकिन मुझे अनाउंसमेंट सुनना पड़ेगा पहले। ये पीछे जो है ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन जा रही है तो शायद वो आएगी, ऐसा ही होना चाहिए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेन चली थी, कोई 7:30 बजे ट्रेन आई, काफ़ी लेट थी ये ट्रेन भी, 6:40 का इसका शेड्यूल टाइम था, लेकिन ये ट्रेन आई कोई 7:15 बजे के करीब। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, रामेश्वरम से चल के अब मैं पहुंच गया हूँ कटपड़ी रेलवे जंक्शन,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सदर्न रेलवे का जंक्शन है, यहीं से वेल्लोर है, वेल्लोर में कई लोग चिकित्सा करवाने जाते हैं। तो अभी ये कटपड़ी से अब ट्रेन चल पड़ेगी आगे और हम अपना यात्रा रामेश्वरम की तरफ आगे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों अब डिंडीगुल पहुंच गए हैं हम और मैंने अपना खाना ऑर्डर किया था IRCTC के कैटरिंग से, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया, विच ये लेमन राइस है विथ मेदू वड़ा, लेमन राइस विथ मेदू वड़ा 72 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। अब मैं इसको खाने लग रहा हूँ और डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है ट्रेन बाद में, यहाँ से रामेश्वरम और 4-5 घंटे का जर्नी है और 8 बजे तक पहुँचेंगे हम रामेश्वरम। आई विल कीप यू अपडेटेड। तो फाइनली दोस्तों 700 किलोमीटर की जर्नी करके आज सुबह से मैं चला था तिरुपति से और अब फाइनली पहुँच गया हूँ रामेश्वरम स्टेशन। ये देखिए इस ट्रेन से मैं आया जो कि ओखा रामेश्वरम तिरुपति से चल के रामेश्वरम तक चलती है, ये पीछे से आती है ओखा से। तो बस अब जाना है होटल और होटल में जाके आज तो रेस्ट ही करना है और कुछ करना नहीं है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं स्टेशन से और अपने होटल के लिए बुकिंग करते हैं, कोई ऑटो या कुछ देखते हैं कैसे मैं जाता हूँ अपने होटल में। मैं आपको मिलता हूँ होटल में जाके। भाइयों ऑटो में बैठ चुका हूँ स्टेशन से, मैंने और ये ऑटो बुक किया है। होटल हरीश यहाँ से केवल 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर करीब है, इसके मुझे 100 रुपये देने पड़े क्योंकि होटल हरीश है। अब मैं यही रुकूंगा फ्रेंड्स, ये जो होटल है होटल हरीश जो मैंने ऑनलाइन booking.com से बुक किया था, रादर बुक किया है, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और मैंने चेक इन वगैरह सब करा लिया है रूम में और अब मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। रूम नंबर है 305 और आइए मैं आपको एक रूम टूर देता हूँ यहाँ का। यह है 305 नंबर कमरा मेरा। बस इतना सही है रूम, लेकिन कोजी है और साफ सुथरा है। एसी है, टीवी है, ये है वॉशरूम, गीजर है वॉशरूम में, यही है अपना रूम। आज के लिए मैंने ये बुक किया है, मैंने उन्हें कहा है कि मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइज में, तो इसी वजह से मैंने आज रात के लिए तो बुक कर दिया है। बाकी कल सुबह देखेंगे, एक आध होटल में और चेक करूँगा, अगर ठीक लगा तो वहाँ चला जाऊँगा, नहीं तो यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। मेरा मैं अकेला आदमी हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और इसका जो किराया है वो मुझे इन्होंने लगाया 1300 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, GST वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ खाना पीना है, कुछ खाया नहीं है सुबह से घर का, तो अब मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाना पड़ेगा डिनर के रूप में और फिर मैं आज के लिए सो जाऊंगा और फिर कल सुबह से फिर टूरिंग शुरू करेंगे रामेश्वरम का। सबसे पहले मैं जाऊंगा रामेश्वरम टेंपल। रामेश्वरम टेंपल इंसिडेंट की बहुत नज़दीक है, यहाँ से 500 मीटर है बस।
जरा रामनाथ टेम्पल की तरफ जाते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, वो यहाँ से 500 मीटर ही है, तो एक बार चेकआउट करते हैं मंदिर को। ये रोड तो यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैसे यहाँ कोई मेला लगा हो। रात के 9 बजे भी दुकानें खुली हैं और काफ़ी चहल पहल है रोड में, मेरे दोनों तरफ रोड के शॉप्स खुली पड़ी हैं और कुछ आगे जाकर की है टेम्पल। मैंने कहा आया है तो एक दिन पहले दिन जरा टेंपल के दर्शन ही कर लेते हैं बाहर से। टेंपल तो बंद मिलेगा पता है, एक बार जाके मंदिर को देख लेते हैं, शायद यही है मंदिर। शंख के बने काफ़ी आइटम्स मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये रामनाथ स्वामी टेंपल, रामनाथ स्वामी टेंपल, हाँ रामनाथ। ये बेस्ट टावर एंट्रेंस है यहाँ से, और ये गलियारा दिख रहा है, फेमस गैलरी ऑफ दिस टेंपल। पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, मुझे क्लियर दिख रहा है। पहले समुंदर में नहाना होता है, उसके बाद 21 कुंडों में भी नहाना होता है, उसके बाद आपके दर्शन मंदिर के अंदर हो पाते हैं। आइए भाई साहब, ये मेरे साथ ट्रेन में आए थे गुजरात से, ये भी घूमने आए हैं, ये भी सोलो ट्रैवलर है मेरे जैसे। आपका नाम? अतुल प्रवीण भाई। अतुल प्रवीण भाई शंभू भाई। अच्छा, तो ये भी कल तो वैसे ये एक ही दिन के लिए आए हैं, कल ही निकल जाएंगे गुजरात से। हाँ, तो आप कहाँ रुके हैं? आप घूम लिया मैंने। कहाँ पे रुक लिया? अच्छा, इधर ही लिया। थोड़ा आगे। कितने का पड़ा रूम? 400 रुपये मास्टर फिफ्ट फ्लोर है। अब रूम का भी देखो, डबल बेड की रूम है, सफाई, साफ पानी, जनरेटर, लाइट जाए तो भी जनरेटर, फुल टीवी वगैरह है? नहीं, टीवी नहीं है, टीवी की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कल ही तो निकल जाओ, मैं तो जाके स्नान करूँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा। अच्छा, इसी गली में? ये थोड़ा इधर थोड़ा कहीं है। ऐसे ही चलते चलते हम जा रहे हैं, यहाँ से कोई 500 मीटर में समुंदर का बीच भी है, अग्नि तीर्थम जिसे बोलते हैं, जहाँ नहा के और उसके बाद फिर मंदिर में दर्शन किया जाता है। तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग वहीं पे जा रहे हैं सी बीच तक। बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है रोड पे और मौसम बिल्कुल खुशगवार है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, कोई गर्मी नहीं लग रही, कोई उमस नहीं है, कुछ नहीं है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। अब दिन में पता नहीं कितनी गर्मी होती होगी, शायद गर्मी होती है यहाँ पे क्योंकि कोस्टल रीजन है तो उमस तो होगी होगी। सी बीच सीधा। ये सामने बीच नजर आ रहा है मुझे, अग्नि तीर्थम। यहीं पे हम लोग कल सुबह स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद यहाँ से फिर मंदिर जाएंगे और 21 कुंडों में भी नहाएंगे और फिर भगवान जी के दर्शन करेंगे।
लाइट वाइट तो है काफ़ी, ये नहीं कि अंधेरा सा पड़ा हुआ है, लाइट है यहाँ पे काफ़ी। और ये है देख लो समुंदर, ऐसे ही है। रात को क्या दिखेगा, कैमरे में तो वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा, पता नहीं मैं भी नज़र आ रहा हूँगा कि नहीं आपको। और बड़ी अच्छी हवा आ रही है, खाके ही पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। ये 40 रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ 60 चटनी दे दो, प्लेन कोसा चाय, कोकोनट चटनी। ये है 60 रुपये का, खा के देखते हैं कैसे हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। इन्हें टमाटो, इन्हें कोकोनट, दाल कुरमा, कटोरी, इन्हें वावल नहीं तो ऐसे ही लेना पता। इन्हें कोकोनट भाई, दाल कुरमा, दाल में डाल दूँ, अच्छा भैया स्पून दे दो, स्पून। हाँ ये सब कुछ यहाँ मिक्स कर देते हैं, अलग अलग कटोरी में नहीं देते यहाँ पे। हाँ जी, इडली 200 परोठा चपाती, ये सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया इन्होंने। खाने में इसका एक टेस्टी, ये चटनी है देखो, तरह तरह की चटनी, जितनी मर्जी चाहो डाल लो इसमें, चटनी में कोई कंजूसी नहीं है, अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 10:45 रात के और मैं अपने होटल के रूम में आ चुका हूँ। आज काफ़ी थकान भरा दिन था दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकला रात को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कमरे में, मैं थोड़ा निकला बाहर और रोड से चलता 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 फिर मैंने मंदिर के भी दर्शन किए, और दो बाहर से फिर बाहर से मैं अग्नि तीर्थम गया, जहाँ पे समुद्र का बीच है वहाँ वहाँ मैं गया, जहाँ पे लोग नहाते हैं और फिर मंदिर का दर्शन करते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी, अब काफ़ी थक गया हूँ, थोड़ा सा डेटा ट्रांसफ़र करना है कल के लिए, सब कुछ रेडी करना है और फिर सोना है। कल सुबह मेरे को रामनाथ स्वामी टेम्पल विज़िट करना है और जितने भी वहाँ विधि विधान हैं पूजा के वो सारे करने हैं, जैसे समुद्र में नहाना, अग्नि तीर्थम में, उसके बाद फिर 21 कुंडों में नहाना, पूजा अर्चना करना, वो सारा काम करूँगा। तो कल का फिर कल ही बताऊँगा, अपडेट करूँगा। आज मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, तो साउथ इंडिया का ट्रिप है मेरा ये Day 2, आज मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट, जय हिंद, कीप ट्रैवलिंग फ्रेंड्स। दोस्तों डुबकी लगा के मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ठंडा पानी है और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि श्री राम के चरण यहाँ पड़े थे, चरण पादुका वो भी यहाँ नहाई थी, नहाए थे और माँ सीता भी यहाँ नहाई थी।